भगवते मौगा के पवन सिंह रेल दी है। अब देखिए साला स्टूडियो में बैठ के ऐसा ऐसा गाना मत गाइए ना, तो स्टूडियो मालिक ही ना गार पे लठ मार के भगा देगा। आप प्यारी समझ गई। अरे साथ में रहो पाए पाए बुलेट बेचो। अरे भोसड़ी वालों, तुम लोगों को एक चीज बता दे, स्टूडियो गाना गाने के लिए बना है, ना कि साला उसमें गान ढिलाने के लिए। और ये बड़ी अच्छी बात कही है। फाटल बास लगता साला, तुम्हारा आवाज तो लता मंगेशकर से मिल रहा है, और ये आवाज सुन के ना भोसड़ी के मेरे कान से खून निकल गया। ये ले ईयरबड, कान का साफ कर ले। अरे वो तो हम साफ कर लेंगे, लेकिन आज इन लोगों को बिना रेले भोसड़ी के मैं ना जाने वाला। तो ढुका गई है। साला जिसको देखो वो कल्लू की बेटी सपनवा में आती है, खेसारी की बेटी सपनवा में आती है, फलनवा की बेटी सपनवा में आती है, चिलनवा की बेटी सपनवा में आती है। अरे भोसड़ी वालों, भोजपुरी में बस यही रह गया था कि इसकी बेटी उसकी बेटी। भोसड़ी के कभी अपने घर पे भी देख लिया कर कि तेरी बेटी तेरी बहनिया किससे मरवा रही है, किससे लिवा रही है, वो भी कभी देख लिया कर भोसड़ी के। कैसा लगा मेरा मजाक?